जयपुर को नए वंदे भारत की सौगात मिली। केसरिया रंग की चमचमाती वंदे भारत भागलपुर पहुंची और आज इसका ट्रायल हो रहा है। ट्रायल रन के दौरान आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जीआरएन की मौजूदगी में जो है ट्रायल किया जा रहा है। आप इधर आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो है ट्रेन का ट्रायल हो रहा है। भागलपुर से हावड़ा तक को ये ट्रेन जाएगी और ट्रेन में जो है कई सारी सुविधाएं मौजूद रहेगी। आपको ट्रायल के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो पायलट हैं, लोको पायलट हैं, यहाँ पर किस तरह से ट्रायल कर रहे हैं। जीआरएन भी मौजूद है, इस दौरान ट्रायल को देख रहे हैं और ये ट्रायल ट्रेन जो है आप तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर आज इसका ट्रायल है। और 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर 10 ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे, उसमें से ये ट्रेन भी है। ये ट्रेन भागलपुर से रामपुर हाट हसडिया होकर हावड़ा तक जाएगी, इसके साथ ही हावड़ा से एक ट्रेन भागलपुर पहुंचेगा। जो ट्रायल रन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, भागलपुर से हसडिया की तरफ जो है ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल रन में सभी तरह के जो मालदा रेल डिवीजन के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इस तरफ आप तस्वीर देखिए जो सीट है यहाँ पर उसकी किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह के इंतजाम जो है ट्रेन में किए गए हैं और ट्रायल रन के दौरान की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये ट्रायल किया जा रहा है, आज 15 तारीख को इसका उद्घाटन है और 17 से ये ट्रेन जो है सुचारू रूप से इस ट्रेन का संचालन हो जाएगा। और 3:20 में, खास करके भागलपुर से बात करें तो 3:20 में ये ट्रेन खुलेगी और 6 घंटे के बाद भागलपुर पहुंचेगी। भव्य और सुंदर तस्वीर आपको ट्रेन से दिखा रहे हैं, साफ सुथरा ट्रेन ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसे किस तरह से यहाँ पर जो है सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि कई ट्रेन है जो वंदे भारत ट्रेन है मिली उस पर जो है असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। लेकिन एक बड़ी बात यह भी रही कि जो ट्रायल के दौरान, और ये कहा गया कि 15 तारीख को जैसे उद्घाटन होगा तो उस दौरान यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व जो है पथराव ना करे, तो उसको लेकर जो है AK-47 से लेस जो है सुरक्षा कर्मी इस ट्रेन में मौजूद रहेंगे। आधे दर्जन सुरक्षा कर्मी जो रहेंगे वो AK-47 से लेस रहेंगे ताकि किसी भी तरह की जो है असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी तरह का हरकत ना करे। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, इस सुंदर ट्रेन की तस्वीर जो भागलपुर को मिली है। भागलपुर से 3:20 पे ट्रेन खुलेगी और 6 घंटे बाद हावड़ा को पहुंचेगी। हावड़ा से फिर ये ट्रेन सुबह में फिर दूसरी ट्रेन है, दो ट्रेन है, एक जोड़ी ट्रेनें जो है भागलपुर को मिली है। और ये सभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सभी स्टाफ हैं, आज ट्रायल रन के दौरान ये भागलपुर से सफर कर रहे हैं। काफी सुंदर ट्रेन जो केसरिया रंग की चमचमाती ट्रेन जो भागलपुर को मिली है, और भागलपुर से ये जो लोग खास करके तारापीठ और बासुकीनाथ धाम देवघर को जाते थे उनके लिए काफी सहूलियत हो गई, कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सहूलियत हो गई। इस तरह से इसका आज ट्रायल रन होगा। देखिए ट्रायल रन हम लोग जो 15 तारीख का इनॉग्रेशन है यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उससे पहले स्टेशन जो वेरियस स्टेशन पे ये ट्रेन जहाँ पे रुकेगी उनका जायजा भी लेना है। जो हमारा ट्रेन में जो और हम लोगों को कुछ इसमें देखना है कि किस जगह पर रुकेगी, बेसिकली ट्रायल रन उसी के लिए किया जा रहा है। और आप लोगों को तो हम लोगों ने बताया भी है कि ये ट्रेन बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो सबसे सेफ है, इसमें कवच प्रणाली लगा हुआ है और इसका राइडिंग कम्फर्ट आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा। 110 की स्पीड पर भी आपको कहीं पर नहीं लगा होगा कि ये ट्रेन 110 की स्पीड पर अभी चल रही है, तो दैट ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। इसके अलावा बड़ा कंफर्ट है, यहाँ पे सीट्स वगैरह जो हैं बहुत ही आरामदायक हैं। ऑटोमेटेड यहाँ पे ट्रेन दरवाजे जो हैं खुलते हैं, बंद होते हैं, और अंदर में जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो भी अत्याधुनिक अपने बायो वैक्यूम टॉयलेट लगा हुआ है। सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए गार्ड के पास में अलग से लाइट्स हैं। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं इस ट्रेन में, मैं बताते बताते थक जाऊँगा, लेकिन खूबियाँ जो हैं वो खत्म। नहीं, इसमें चारों दिशाओं में कैमरे लगे हुए हैं सो दैट कि अगर कोई इस तरह के अनटूवर्ड घटना होती है तो तुरंत उसको CCTV से हम लोग देख लें कि कौन कल्प्रिट है। और दूसरा मैंने बताया कि इसमें कोलिजन एंटी कोलिजन डिवाइस लगा हुआ है, तो हम लोग जिसको कवच कहते हैं, तो वो यात्रियों के सेफ्टी के लिए वो भी बहुत बड़ी वो है। धार्मिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोण से ये बहुत ही बड़ी सौगात है सर। बहुत बड़ी सौगात है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। जो भागलपुर की जनता है और इस सेक्शन में जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सौगात दी गई है। और भी रूट्स पर चलाने की बात अभी चल रही है। देखिए भविष्य में तो जैसे आप देख रहे हैं कि अभी ये हम लोगों का रेक जो है ये 75वां रेक है,
उस दिन 7 ट्रेन का झारखंड और बिहार में जो भी ट्रेनें चलेंगी, अगले दिन गुजरात सेक्शन में और 6 ट्रेनों का है, तो ये ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेनें चलेंगी, ट्रेन चलेगी और शुक्रवार को इस ट्रेन का संचालन नहीं होगा। तो यात्रियों में जो है खुशी की लहर है, लोगों में खुशी की लहर है आज खास करके, और जो यात्री यहाँ पर आज स्टाफ जो है सफर कर रहे हैं, यहाँ पर DRM सफर कर रहे हैं, वह ट्रायल रन के दौरान चीजों को देख रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो ट्रैक पर है वह तो नहीं है। ट्रैक की भी सुरक्षा देखी जा रही है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से कई तरह की घटनाएं सामने आई ट्रेन को लेकर, सामाजिक तत्वों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया, तो ऐसे में सुरक्षा देखना भी जरूरी होता है। और आज इसका ट्रायल है, 15 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और 17 को ट्रेन सुचारू रूप से चलने लगेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके साथ ही साथ यात्री आज जो करेंगे, जो धार्मिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, उसके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। अश्विनी कुमार, सी मीडिया, भागलपुर।